welcome to food fun and facts with Varsha in Hindi. आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्रन स्टाइल शेपू पालक की सब्जी. शेपू जिसे सुआ भी कहते हैं, इसे पालक के साथ मिक्स करके बहुत ही यमी स्पाइसी सब्जी बनाई जाती है जो अक्सर महाराष्ट्र के गांवों में बहुत बनाई जाती है. बहुत ही टेस्टी होती है. तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. यहाँ मैंने देखिए ये बड़ा कटोरा भर के पालक लिया है. पालक ज़्यादा लें और उसके साथ ये शेपू जिसे हिंदी में सुआ भी कहते हैं ये भी लिया है मैंने. चने की दाल ली है मैंने जिसे मैंने करीब एक घंटा भिगो लिया है. ये मैंने मूंगफली के कुछ दाने जिन्हें मैंने सेक लिया, उनकी स्किन जितना हो सका निकाल दिया और उसके बाद उसे दरदरा कूट लिया. इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक लहसुन और सूखे नारियल का टुकड़े, तेल लिया है, हल्दी पाउडर, हींग, जीरा, नमक और एक टमाटर काफ़ी रहेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सब्जियों को अच्छे से धो लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छे से काट लेंगे और दाल भी इसमें मिक्स करके नमक डालकर इसे 4 सीटियों तक हम कुक पकाएंगे. जब तक शेपू पालक और दाल हमने बॉईल के लिए लगाई है प्रेशर कुकर में, तब तक हम यहाँ पे तड़का प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे. तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालेंगे, जीरा को फ्राई होने देंगे. जीरा फ्राई होने पे इसमें हींग डालेंगे. यहाँ हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जो नारियल था सूखा हुआ उसका एक पेस्ट तैयार किया है, वो भी इसमें डाल देंगे. हल्दी डाल देंगे इसी में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अदरक लहसुन सबको अच्छे से पकने देंगे. ये मिक्सचर हमारा फ्राई हो गया है. ये टमाटर जो हमने लिया था उसकी हमने प्यूरी बना दी है, वो भी इसी में डाल देंगे. अब इसे मिला लेंगे. इसी टाइम पे हम नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार जितना आप खाते हैं. याद रखें थोड़ा नमक हमने बॉईल करते वक्त पालक और दाल के साथ भी डाला था, सुआ पालक दाल के साथ. तो अभी इसे हम मीडियम सिम कर देंगे, एकदम धीमी आंच कर देंगे और हम प्रेशर कुकर में देखेंगे जो कि ठंडा हो गया है. अब देखिए दाल भी पक के रेडी हो गई है और सुआ पालक भी अच्छे से हो गया है. इसे हम मैश कर लेते हैं थोड़ा सा और इसे इस तड़के में मिला देंगे. आप इसे चाहे तो इस कंसिस्टेंसी का भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पतला भी बना सकते हैं जिस भी कंसिस्टेंसी का. अब इसे और हम घोटेंगे मसाले के साथ और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये थोड़ी गाढ़ी है. रोटी बाजरे की रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है. अगर आप इस कंसिस्टेंसी की खाना चाहें तो खा सकते हैं. मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी. देखिए मैंने सब्जी में थोड़ा पानी डाला था और इसे थोड़ा पकने दिया था ताकि ये सारे मसाले इसके साथ पक जाएं. अब ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी एकदम सही है. इस टाइम पे हम ये जो दरदरा हमने मूंगफली का बनाया था वो इसमें डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे फिर से मिक्स कर देंगे और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है. सुआ पालक या पालक शेपू की सब्जी बनके रेडी है. इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं. ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल होती है क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चे अक्सर पालक खाना पसंद नहीं करते, कई बार बड़े भी पालक, क्योंकि पालक का इतना अच्छा फ्लेवर नहीं होता है तो बच्चे बड़े पालक खाना पसंद नहीं करते.
तो पालक के हमें अलग अलग रेसिपीज ट्राई करनी चाहिए। और ये जो सुआ होता है, जो शेपू होता है, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ये अगर आप सेपरेट बनाते हैं तो भी कई लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, पर इनका जो मिक्सचर होता है ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आती है पालक की वजह से और सुआ की वजह से। बहुत ही अलग रेसिपी है ये, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस में साथ शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।